हेलो दोस्तों, द बैंगल सेलर्स यानी कि चूड़ी बेचने वाले, ये जो सरोजिनी नायडू की पोएम है इसके अंदर उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है जो बैंगल्स होती है, जो चूड़ियाँ होती है, वो किस तरह से किसी भी फीमेल की ज़िंदगी में जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी बढ़ती जाती है उसका रोल या उसका कलर किस तरह से बदलता जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की है कि ये जो चूड़ियाँ होती है आखिर वो किस चीज़ का प्रतीक है उनकी ज़िंदगी में। तो चलो इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग जानते हैं और समझते हैं कि आखिर सरोजिनी नायडू क्या कहना चाहती हैं। पहली लाइन के अंदर सरोजिनी नायडू कहती हैं, बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। अब यहाँ पे पहली दो लाइन में ही उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये पोएम कौन बता रहा है। तो वो कह रहे बैंगल सेलर्स, हम चूड़ी बेचने वाले हैं जो ये शाइनिंग लोड बियर करता है, उठा के ले जाता है, कैरी करता है टेम्पल फेयर में, मंदिरों में जो फेयर लगती है उन फेयर्स में ये शाइनिंग लोड कैरी करने वाले हम हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो चूड़ियाँ है वो चमकती है क्योंकि वो कांच की है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे उसके लिए शाइनिंग लोड्स ऐसे यूज़ किया है। अब वो कहते हैं, अब यहाँ से आगे जो सारी पोएम है वो आपको इमेजिन कर रहे हैं कि ये बैंगल सेलर्स कह रहे हैं हमको, हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे अभी वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि हु विल बाय, कौन खरीद करेगा या कौन खरीदेगा इन डेलिकेट यानी कि नाजुक और ब्राइट रेनबो टिंटेड, ब्राइट एकदम चमकीले रेनबो जैसे कलर, अलग अलग कलर के कलरफुल सर्कल्स ऑफ लाइट। जो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने चूड़ियों के लिए शाइनिंग लोड्स कहा था, अभी यहाँ पे सर्कल्स ऑफ लाइट कह रहे हैं। अगर एक चूड़ी इस तरह से वो अगर आप खुले आकाश के नीचे रख दोगे तो वो चमकेगी, तो उसे वो कह रहे हैं सर्कल्स ऑफ लाइट। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइव्स। आगे वो कह रहे हैं ये जो चूड़ियाँ हैं ये क्या है, लस्ट्रस टोकन्स, लस्टर मतलब चमक, लस्ट्रस मतलब चमकीले, और टोकन्स मतलब जो एग्जाम्पल होता है कोई, जैसे मान लो आप बोलते हो कोई केक है, तो अगर जो उसी केक का छोटा सा हिस्सा अगर आप किसी को दोगे तो उसे आप कहोगे टोकन। तो वो कह रहे हैं कि ये जो चूड़ियां है ये लस्ट्रस टोकन है रेडियंट लाइव्स की, जो जिंदगी वाइब्रेंट है, जो जिंदगी चमक रही है, ऐसी चमकीली जिंदगी का ये टोकन है, कि एग्जाम्पल है, उसका एक हिस्सा है। और हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइव्स, और ये कौन पहनती है, हैप्पी डॉटर्स जो घर की लड़कियां हैं, और हैप्पी वाइव्स जो बीवियां हैं। तो कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि अगर आपके हाथ में बैंगल्स है तो वो उसे उस घर की खुशहाली का प्रतीक बताने की कोशिश कर रहा है। सम आर मीट फॉर अ मेडन्स रिस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। अब वो कह रहे हैं इसके अंदर जो कुछ चूड़ियाँ जो है वो मीट है, मतलब वो किनके हाथों में शोभा देती हैं, जो मेडन्स होती हैं, मेडन्स मतलब अविवाहित लड़कियाँ, और साथ ही साथ वो किस तरह से रहते हैं, जो सिल्वर और ब्लू कलर के जो माउंटेन मिस्ट होती है, जो पहाड़ों के ऊपर जो धुंध होती है, जो धुंधली सी हवा होती है, उस हवा की तरह जो दिखती है, ऐसी चूड़ियाँ वो मेडन्स के हाथों में मीट करती हैं, उनके हाथों में वो जचती है। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। और वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी चूड़ियाँ हैं जो फ्लश लगती है, जो जिसके ऊपर लालिमा होती है, फ्लश्ड होना मतलब लालिमा होना, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जो बर्ड्स होते हैं जो कली बनने से पहले जो फूल, जो छोटा सा इस तरह से बर्ड होता है, उस बर्ड के ऊपर जो लालिमा होती है, जो इस तरह से वो इमेजिन कर रहे हैं कि जो स्ट्रीम होती है उस स्ट्रीम के आसपास अगर ये फूलों का पौधा है जिसके ऊपर ये छोटी सी कली उभर के आई है और अब ये कली और खिलने वाली है, तो उसके ऊपर जिस तरह से लालिमा होगा ठीक उसी तरह की लालिमा कुछ चूड़ियों के ऊपर होती है। सम आर एग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। और वो करें कि इसके अंदर जो कुछ चूड़ियाँ है वो एग्लो है, एग्लो होना मतलब ब्राइटनिंग होना या चमकना, तो इसमें से कुछ इस तरह से चमक रही है
जैसे वो ब्लूम कर रही है। ब्लूम करना मतलब खिलना, जो फूल खिलते हैं उसे हम ब्लूम करना बोलते हैं। तो कुछ चमक के ब्लूम कर रही है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से लिम्पिड यानी कि एकदम क्लियर, क्लियर गोरी के अंदर, क्लियर विक्ट्री के अंदर वो एकदम चमक रही है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से न्यू बॉर्न लीव्स, नए नए जन्मने वाले जो पत्ते होते हैं पेड़ के ऊपर, जिस तरह से वो ब्लूम करते हैं या वो खिलते हैं। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, बोल रहे कुछ चूड़ियाँ जो होती है वो सूरज के उजाले में जिस तरह से कॉर्न की फील्ड दिखेंगे, मक्के का खेत दिखेगा, ठीक उसी तरह से कुछ दिखते हैं। मेड फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, और वो करे कि इस तरह के जो पीले पीले रंग के एकदम चमकीले कलर के जो चूड़ियाँ होती हैं वो मीट होते हैं, वो सूटेबल होते हैं जो ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है उसके दुल्हन वाली या शादी वाली सुबह, मॉर्न मतलब मॉर्निंग, तो वो कहने कि शादी वाली सुबह में जो दुल्हन पहनती है उसके लिए वो सूटेबल है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और उसमें से जो कुछ चूड़ियाँ हैं वो किस तरह है, जो फ्लेम होती है आग की, जो जो उनकी मैरिज की आग होती है, जिस आग के अराउंड दुल्हन अपनी शादी की कस्में लेती हैं, उस अग्नि की तरह कुछ पवित्र होती है। और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर, और कुछ उस दुल्हन के हार्ट्स के डिज़ायर, उसके मन के अंदर जो अलग अलग इच्छाएं हैं उस तरह की इच्छाएं प्रदर्शित करती हैं, यानी कि काफ़ी कलरफुल होती है इस तरह की भी उसके पास बैंगल्स है। टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर, यहाँ पे वो क्वालिटीज बता रहा है जो बैंगल्स है उनकी, वो टिंकल करते हैं, मतलब जब चूड़ियाँ एक दूसरे के साथ खनकती हैं तो जो आवाज़ें आती हैं उस खनक को टिंकलिंग कर रहे हैं। ल्यूमिनस, चमकीली, टेंडर, भले ही चूड़ियाँ दिखने में कांच की कठोर दिखे फिर भी उनके अंदर टेंडरनेस है, उनके अंदर सॉफ्टनेस है, और क्लियर एकदम क्लियर है। लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, और वो ठीक उसी तरह से है जिस तरह से किसी ब्राइड की लाफ्टर होती है, जिस तरह से किसी दुल्हन की हंसी होती है और दुल्हन के आंसू होते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो चूड़ियाँ हैं वो टिंकलिंग है, ल्यूमिनस है, टेंडर है और क्लियर है। अगले स्टांजा के अंदर वो कहते हैं सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक ग्रे, कुछ चूड़ियाँ जो है वो पर्पल कलर की है और उसके ऊपर गोल्ड के फ्लेक लगाए गए हैं और वो ग्रे कलर की हैं। फॉर शी हू हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, वो ऐसी महिलाओं के लिए अच्छा है जो अपनी ज़िंदगी की जर्नी आधे तक, अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो आधे तक पूरा कर चुके हैं, यानी कि उनकी शादी हो चुकी है और अभी हुज हैंड्स हैव चेरिश्ड, जिनके हाथों ने चेरिश किया है और हुज लव हैज ब्लेस्ड, और जिनके लव ने ब्लेस किया है, मतलब जो अभी शादीशुदा है और उन्होंने अपने हाथों से प्रेम आगे दिया है किसी को, और साथ ही साथ जिनके प्रेम को ब्लेस हुआ है, मतलब अभी उनके पुत्र पुत्रियां है। एंड क्रैडल फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, और जिन्होंने क्रैडल किया है, जिन्होंने उठाया है अपने फेयर सन्स को, अपने पुत्रों को उनके फेथफुल ब्रेस्ट पे, अपने सीने से जिन्होंने अपने बच्चों को लगाया है। एंड सर्व्स हर हाउसहोल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और ये जो महिलाएं हैं वो फ्रूटफुल प्राइड में अभिमान के साथ, गर्व के साथ वो अपने हाउसहोल्ड को, अपने गृहस्थी को वो चलाती हैं, सर्व करती हैं। एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड, और ये जो महिलाएं हैं वो भगवान की आराधना करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, वर्शिप करती हैं अपने पति के साइड में, अपने पति के पास में आसन लेके। तो ये जो पूरी पोएम थी इसके अंदर पोएट ने जो बैंगल्स होती हैं उनकी जर्नी को एक महिला की जर्नी के साथ कंपेयर किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये पोएम अच्छे से समझ गई, अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।